जो मासूम कह दो तो मासूम है हम, तुम जो गुनहगार कह दो तो गुनहगार हैं हम। हमने अखिलेश यादव के बड़े बड़े पोस्टर देखे यहाँ पर, काम बोलता है। जी हाँ, चिल्लूपार की ये विधानसभा है, गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा है, 9 विधानसभाओं में से एक, जहाँ पर 25 साल पहले काम नहीं गोलियां बोलती थी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की अदावत का शहर है ये, जहाँ पर एक गैंगस्टर रात को ताश खेलते खेलते तय करता है कि ये विधानसभा, इस विधानसभा की सीट मुझे चाहिए, और अगले दिन वो मिशन पर निकल पड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वो विधायक को मारने के लिए निकलता है, और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचता है। कुछ दिनों बाद वो गैंगस्टर यहाँ के मुख्यमंत्री को निपटाने के लिए निकलता है, और पूरे देश में हड़कंप मचता है कि कौन है ये छोकरा। जी, ये वही विधानसभा है जहाँ पर दो बार पिछले 23 सालों से जीत रहे विधायक हरिशंकर तिवारी को एक शमशान घाट बनाकर राजेश त्रिपाठी ने हराया, और दो बार वो विधायक रहे और बसपा से विधायक रहे, और इस बार वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं। और बसपा से हरिशंकर तिवारी के पुत्र श्री विनय शंकर तिवारी को ही टिकट मिला है। ये अपने आप में बड़ी ताजुब की बात है। यह जगह ही कुछ ऐसी है, यहाँ की आबो हवा कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं कि काम कितना ज़्यादा बोल रहा है यहाँ पर, कि चलना मुश्किल हो रहा है। ये शोर यहाँ से हम देख सकते हैं कि राजेश त्रिपाठी के आवास की तरफ का ये इशारा है, उसके नीचे लिखा हुआ है मुक्ति पथ वाले बाबा। इनका नाम ही कुछ यूँ मुक्ति पथ बाबा, ये शमशान बाबा पड़ चुका है। अभी कुछ देर पहले हम उनके मुक्ति पथ पर भी गए हुए थे। ये चिल्लूपार नाम ही कुछ अलग है, और यहाँ का काम भी कुछ अलग है। हमारे यहाँ दिल्ली में ऑस्कर पर बातें होती हैं, और यहाँ पर इंटरनेट के ठग पर बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये, शायद हमने पहले कहीं और नहीं देखा है। और यहाँ पर बड़ी एक तगड़ी मंत्रणा चल रही है, काफ़ी लोग हैं, और इन लोगों ने हमें बताया कि इसमें से ज़्यादातर लोग इससे बगल वाली विधानसभा से हैं, मऊ ज़िले की मधुबन विधानसभा से हैं। और इन्होंने दावा किया कि मुझे इन लोगों को चिल्लूपार के बारे में, चिल्लूपार के लोगों से ज़्यादा जानकारी है। यहाँ पर एक वोटर हैं जो कि चिल्लूपार विधानसभा के हैं, बाकी सारे लोग बाहर के हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, यहाँ पर काम कैसा बोलता है अखिलेश यादव का? काम तो कुछ भी नहीं है, कानून है। काम बिल्कुल नहीं सही है जी। और कानून व्यवस्था भी नहीं सही है जी। रोड की दशा देख रहे हैं। इसके बीच में हमने कुछ लोगों से बात की तो लोग बता रहे हैं कि जो डायल 100 है अखिलेश यादव का, वो बड़ा सक्सेसफुल है। अभी तो आप कह रहे थे कि कानून व्यवस्था सही नहीं है जी, और आप बताइए सर अखिलेश यादव की योजना के बारे में जो डायल 100 है। अखिलेश यादव जो है, काम तो ठीक है, हर काम संग हमको बहुत पसंद है जी। क्या पसंद आता है आपको? अरे सिर्फ रोड थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है। ठीक है, रोड के बारे में क्या कहेंगे? रोड पर तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, आप में से ज्यादातर लोग गाड़ियां चलाते हैं, आप लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता रोड के बारे में। सर आप बताइए। रोड के बारे, रोड की स्थिति एकदम खराब है। यहाँ से गोरखपुर से लेकर बनारस तक ये हाईवे है, हाईवे रोड है, जिसकी समझ लीजिए कि आज से नहीं, ये 10 साल से एकदम गड़बड़ स्थिति है। हालांकि अब ये 4 लाइन में चेंज हो गया है, काम धीरे धीरे चालू हो रहा है, और देखिए हो सकता है 3-4 साल में ये बन जाए। यहाँ से सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ पर है? सबसे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगल में है, 500 मीटर तक तकरीबन। कोई हादसा हो तो लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे जी, बिल्कुल। चलिए आप हमें बताइए सर, आप आगे आ जाइए, आपसे हम थोड़ा बात करते हैं। राजेश त्रिपाठी जी के बारे में बताइए, उन्होंने एक बड़ा ही अनूठा काम किया, शमशान घाट वाला मुक्ति पथ बनाया, बड़ा खूबसूरत सा है, एक तरफ उसमें सगाई होती है, एक तरफ लाशें जलाई जाती हैं, और बड़ा ही अद्भुत सा है। आप लोगों को क्या उसी की वजह से आपने उन्हें वोट किया था पहले, या कोई और भी बात? नहीं नहीं, पहले जो है, पहले अच्छा काम किए हैं, मैं शमशान बनाए हैं, शादी भी जो होती है वो सब काम अच्छे किए हैं त्रिपाठी जी, वहाँ पर मेडिकल बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं।
मगर का सवाल ये रोड का प्रॉब्लम हम लोग का है। यहाँ पर मतलब मुख्य समस्या रोड की है, बाकी अगर कानून व्यवस्था एम्बुलेंस इनकी बातें करें तो ये चीजें सही है। क्लेश तो है, अच्छा काम किया है एम्बुलेंस का, मान लीजिए जो बच्चा वच्चा पैदा होते हैं लेडीज का उनके लिए अच्छा काम। समाजवादी पेंशन योजना के बारे में बताइए, अखिलेश यादव इसका बहुत प्रचार करते हैं कि 500 रुपया ही देते हैं लेकिन देते हैं गरीब औरतों को, जो जो लोग विधवा हैं उन लोगों को मिलता है, मिलता है, मिलता है। इस बात से आप लोग खुश है? मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवम्बर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था डीमोनेटाइजेशन का, किसी को बिना बताया अचानक एक दिन उन्होंने कह दिया कि 500 और 1000 रुपए के नोट कागज हो गए। चारों ओर इस बात का शोर हुआ कि कम आमदनी के लोगों को बड़ी समस्या हुई। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोड पर ऑटो चलाने में बहुत ज़्यादा तो आमदनी नहीं होती होगी, अपना खर्चा चलता होगा एक मध्यम वर्ग की तरह। आप लोगों को कितनी समस्या हुई सर, आप बताइए। इस नोटबंदी से हम लोगों को कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है, हम लोग रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकाल के पीते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप सर आप बताइए। नोटबंदी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा सर, इस बात से कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं है सर, बहुत अच्छा काम किए मोदी जी, और हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में जी। और उसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप कमल के फूल पर निशान लगाइए और जिताइए। आप बताइए। नहीं नहीं, हमसे कुछ तकलीफ नहीं है, लाइन में आपको नहीं लगना पड़ा कुछ? हम भाई हम लोग भाई रोज कुआं खोलना, रोज पानी पीना है, हम लोग कुछ दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि आपके पास नोट नहीं थे पुराने ज्यादा जी। जी राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहें? राहुल गांधी का भी की भी सभा हो रही है, रैली हो रही है, क्या आपको उनसे उन उम्मीदें हैं जो उन्होंने सपा से गठबंधन किया है? सर आप बताइए। क्या खा रहे हैं आप, बोल नहीं पा रहे हैं? तो आप ये बताइए कि आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जो चिल्लू पार विधानसभा के आप एकमात्र वोटर हैं यहाँ पर, वहाँ थूक लीजिए बिल्कुल, और आपके कैंडिडेट भी नए आए हैं जो मजबूत हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं और एक बड़े विधायक को हरा के वो बने थे नेता, अभी आपकी पार्टी से हैं जिसको आप सपोर्ट करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी दो अच्छी बातें बताइए आप। अच्छी बात यह है कि वो आम जनता की तरह है जी, कोई भी जनता उनसे मिल सकता है जी, बातें कर सकता है जी, और जो काम किया है मुक्ति पथ का अच्छा किया। आगे आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या करवाना चाहेंगे कि विधायक से? उसके पहले आप मुझे बताइए कि विधायक का काम क्या होता है आपकी नज़र में, विधायक को क्या करना चाहिए? विधायक का काम होता है कि गांव में चाहे छोटा शहर है जी, बिजली अच्छा हो, रास्ता जी, और जो गरीब घर के यही सब बस। कानून व्यवस्था एसपी देखता है, बाकी का काम कलेक्टर देखता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि विधायक क्या करता है, आप लोग किस बात के लिए वोट करते हैं, अगर एक एक बातें भी आप लोग बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी नज़र में विधायक को क्या करना चाहिए? आप बताइए। विधायक, हम लोगों की नज़र में विधायक को जैसे जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में भरपूर, जैसे गरीबों गरीब तबके लोग हैं उनके लिए हर पानी राशन बिजली हर चीज़ की व्यवस्था, मान लो अगर उनके आता है उनके यहाँ जैसे उनके कोष में आता है तो राहत कोष जितना भी हो उतना पहुंचाना चाहिए, लेकिन जगह जगह जैसे दुकान जैसे राशन की दुकान ये बनी है वहाँ पे हमेशा कालाबाजारी, जैसे हर चीज़ में कालाबाजारी वहाँ से आगे से तो आता है लेकिन यहाँ समय से मिल नहीं पाता है, नहीं पहुँच पाता है, तो वो चीज़ विधायक का मेन काम है कि वो आम जनता के 4-5 सुविधाएँ जो है, आवास की सुविधा है, ये जैसे सभी लोग के पास रहने के लिए आवास नहीं, आवास दिलाए, गांव में बिजली प्रॉपर नहीं आती। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहें तो ये समझ में नहीं आता कि वाकई में उनका अंदाजे बयां क्या है, कि न वफा कहते हैं न जफा कहते हैं, जिसको लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कहें, उनको अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। आप हमें ये बताइए कि इस बार आप राजेश त्रिपाठी जी के नाम पर वोट करेंगे या प्रधानमंत्री के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही दुरूह सा ये मसला है, मुश्किल है, बहुत जगहों पर तो बहुत क्लियर रहता है कि हम प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं, यहाँ पर कैंडिडेट भी अच्छा है और प्रधानमंत्री का भी नाम है, आप लोग किस वजह से वोट कर रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर जनता तो ये जो विधायक जो भी लड़ रहे हैं नुरायु गुरव कटवारू जो भी लड़ रहे हैं इनसे मतलब नहीं, यहाँ मोदी से मतलब है, सब मोदी को ही वोट दे रहे हैं,
आप हमें उनकी दो अच्छी बातें बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी वजह से आप वोट करना चाहते हैं। वोट करना चाहते हैं, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो आज तक इतनी चर्चा में बना रहा, और हर बच्चे के नाम पे मोदी मोदी ही, अगर घर में का 5 साल का बच्चा है वो भी मोदी का नाम जानता है। हम लोग बाहर बात करते हैं, बाहर भी काफी लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है यहाँ पर माहौल। सर आप लोग चिल्लू पार विधानसभा से ही हैं, आप वोट यहीं पर करेंगे चिल्लू पार में ही, आप बताइए राजेश त्रिपाठी जी के बारे में बताइए, वो कैसे कैंडिडेट हैं? राजेश यहाँ पे कैंडिडेट कोई भी नहीं अच्छा है, यहाँ पे बिजली नहीं आती है, बिजली नहीं आती सर यहाँ पे चिल्लू पार विधानसभा में बिजली नहीं आती, अगर बिजली सुधर जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रोड बहुत खराब है, आप बता रहे हैं कि बिजली बहुत खराब है जी, तो अखिलेश यादव का काम कहाँ पर बोलता है, किस बात की वो किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है? चिल्लू पार में तो नहीं बोलता है, और कहीं बोलता होगा तो नहीं बता सकते हैं, हम चिल्लू पार में रहते हैं, चिल्लू पार में तो नहीं बोलते। इस विधानसभा की 3 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए जो आपको लगता है कि किसी विधायक को उसमें काम करना चाहिए। बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के बारे में अगर कहें तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से, जब से वो सांसद बन रहे हैं, ये चीज़ें अपराध और बहुत कम हुआ है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आपके मुंह से उसका उल्टा ही मुझे सुनने में मिल रहा है, क्या ये वाकई में ऐसा है कि कानून व्यवस्था पहले से खराब है या पहले से तो नहीं, लेकिन 19 नवम्बर की बात है, कॉलेज रोड पर मेरा मोबाइल खुद छिन गया था। अच्छा। लेकिन पुलिस वाले मेरे थाने में FIR नहीं दर्ज किए, FIR तक नहीं दर्ज किए। तो आपने फोन किया डायल 100 पर? उस समय डायल 100 नहीं था, 19 नवंबर 2015 की मैं 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एन चुनाव से ठीक पहले हुआ है डायल 100, जो कि हर जगह पहुंचा है। हाँ तो सर आप हमें 3 समस्याएं बता रहे थे इस विधानसभा जी, वही बिजली, सड़क और वो कानून व्यवस्था। बिजली के बारे में अगर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई 2018 का डेट दिया है कि गांव गांव तक हम बिजली पहुंचा देंगे, लेकिन इस बात पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तारीख दे दी है, तो मेरे ख्याल से इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा तोला जाएगा और चिल्लू पार के लोग भी इस बात के लिए उनको तोलेंगे। आइए हम इधर बात करते हैं, सर आप बात करिए, आप चिल्लू पार के ही हैं? नहीं, कहाँ के हैं आप? मऊ जिला के। मऊ जिला के हैं, चिल्लू पार के बारे में जानते हैं आप? मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूं। मऊ के बारे में जानते हैं? जी जी, ठीक है। मऊ से कौन जीत रहा है? उमेश पाड़े जीत रहे हैं। आप उनके सपोर्टर हैं? ठीक है, बीजेपी के सपोर्टर। आप सर आप कहाँ के हैं? हम तो यूपी के, यहीं के हैं, चिल्लू पार विधानसभा। हाँ, चिल्लू पार विधानसभा। आप हमें अपने कैंडिडेट के बारे में बताइए, 2 कैंडिडेट है जो है यहाँ पर काफी चर्चा में है, एक तीसरे भी हैं सपा से हैं जो लोग कह रहे हैं कि उनको भी कम बता किए, आप बताइए 3 लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी, जैसे जब चुनाव के माहौल में इसे कुछ कहा नहीं सकता, जैसा जो होगा आगे वो तो पता ही चलेगा, सामने होगा। अब जो अच्छा करने के लिए है, सब सोच रहे हैं कि जहाँ तक होगा तो हम लोगों के इधर के एरिए में मतलब भाजपा अच्छा अगर होती है, भाजपा अगर जीतती है तो लोग बोल रहे हैं अच्छा होगा, कोई बोलता है सपा जीतती है वो अच्छा होगा। आप क्या करते हैं सर? हम जॉब करते हैं। आप कहाँ पर जॉब करते हैं? अभी हम MP में जॉब करते हैं, अभी छुट्टियों में आए हुए हैं जी। तो आपको कितना बदला हुआ लगता है अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब के दौरान चिल्लू पार, ये कितना बदला हुआ लगता है? कुछ बदला हुआ नहीं, अभी तक वैसे ही सड़कें हैं, सड़कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सब सड़कें टूटी हुई हैं अधिकतर में। देखिए आप गांव के एरिया में जाइए तो आपको जहां तक ज्यादा जितनी रोडें हैं सब टूटी मिलेंगी। हमने कई लोगों से बात की और उनके बीच में पता ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया एक लंबे समय से, लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, कैंडिडेट बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है। आप बात करेंगी हमसे मैडम? आप लोग वोट देती हैं? यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है औरतों में। मैम आप बात करेंगी? नहीं, मुस्कुरा रही हैं लेकिन बात नहीं करेंगी। चाचा जी आप बताइए, आप कहाँ के हैं? इसी विधानसभा से? जी इसी विधानसभा से, चिल्लू पार विधानसभा। चिल्लू पार विधानसभा। सर आप इधर आते हैं? सर आप हमें बताइए इस विधानसभा में क्या दिक्कतें हैं, 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है जी। हर चुनाव देखा हुआ होगा लगभग यहाँ का, यहाँ की 3 सबसे बड़ी समस्याएं बताइए जिनको लेके आप बहुत त्रस्त हैं, सोचते हैं कोई बदल दे इसे। ऐसे एक तो नोटबंदी से त्रस्त हुए, बोलिए सर, नोटबंदी से हम लोग त्रस्त हुए जी, छोटे छोटे कारोबारी जो है उससे बहुत परेशान हो गए जी।
और यहाँ मेन सड़कें जो हैं वो भी काफ़ी ख़राब हैं, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई जी। तीसरी चीज़ बताइए। तीसरी में कोई मतलब ये कि कोई नहीं बात। तीसरी समस्या बताइए सर, आपको दो ही समस्याएं नजर आई जी। कानून व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? कानून को लेकर चिल्लू पर बड़ा बदनाम रहा है। कानून व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं सही नहीं, कानून व्यवस्था में बहुत लजर है। आपकी जवानी के दिनों से लेकर अब तक कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आया है? बदलाव तो आया है बहुत। मतलब अच्छा हुआ है या खराब हुआ है? नहीं हुआ, खराब हुआ है। खराब हुआ है। पहले के जमाने में अच्छा था, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के जमाने में हाँ अच्छा था। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नज़र में कैसे व्यक्ति हैं सर? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति। तो आपको उनका ये फैसला अच्छा नहीं लगा डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का? जी जी। आप सर आप बताइए, आप क्या करते हैं सर? हम तो रिक्शा चलाते हैं। डीआई रिक्शा चलाते हैं? डीआई बा रिक्शा। हमको दिलाना नहीं है ना, दिया को का दिया हुआ। और क्या करी, नहीं लिखो ना कुछ ना करी, पहुंचो तो रिक्शा चलाओ तो नहीं। गाली मत दीजिए, आपको पता है कहाँ तक देख रहे हैं लोग। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। क्या कह सकते? हाँ सर आप बताइए, आप युवा हैं जी, बोलिए। वोट देते हैं आप? जरूर देते हैं। आप चिल्लू पार से ही हैं? हाँ हाँ। आप बताइए इस विधानसभा की मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या आप खुद ही देख रहे, रोड देख रहे हैं, स्थिति देख लिया हमने। कुछ और चीजें बताइए जो हम नहीं देख पा रहे। शिक्षा भी दयनीय स्थिति है, जैसे प्राइवेट स्कूलों की है जी। और बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ये विधायक के हाथ में नहीं है। आप ऐसी चीजें बताइए जो आप अपने विधायक से अपेक्षा करते हैं। विधायक से ये अपेक्षा कराएंगे कि जैसे लोगों को रोजगार मिले, पहले तो सड़क व्यवस्था सही हो जाए, बहुत नंबर वन ये सड़क है। हाँ। और बेरोजगारी दूर हो जी। बेरोजगारी विधायक दूर नहीं करा सकता है, बड़ा मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट लाने जो उनके समस्या हो, जो अपने अंडर उनके हो, वो तो करा सकते हैं ना। क्या आपको क्या लगता है कि उनके अंडर में क्या होना चाहिए जो वो ठीक कराएं? अब इतना तो हम नहीं जान सकते कि क्या है उनके अंडर में, लेकिन जितना हो उतना। ये काफी समस्या आ रही है, हमने कई लोगों से पूछा है कि लॉ एंड ऑर्डर का काम एसपी देखता है, विकास का काम डीएम देखता है, विधायक क्या करता है कोई बताएगा यहाँ पर? सर आप बताएंगे विधायक क्या करता है, क्या काम होता है उसका? हाँ बोलिए। विकास करता है। विकास में क्या करता है? रोड जी, और बिजली जी, गांव-गांव जाकर देखना, रास्ता समाज जनता का समाधान करता है जी। विधायक के पास 24 घंटे हैं, उतने में क्या क्या, रोड कैसे बनवा देगा, बिजली क्या करवा देगा? अगर वो जी, तो अगर वो सारे काम वो करने लगा तो डीएम क्या करना? विधायक से आप क्या अपेक्षा करते हैं? विधायक को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ खड़े होकर रोड बनवाना चाहिए? डीएम वोट नहीं मांगने आती है जी ना, जनता वोट देती है विधायक को। हाँ डीएम को नहीं ना वोट देती है। हाँ तो जनता को, जनता को हमारी समस्याओं को तो विधायक यहाँ सुनेगा, जो एमएलए होगा हमको, हम उसको वोट देते हैं। यहाँ पर रोड उसको ही बनवाना है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है, मतलब मैं यही जानना चाहता था, सुनना चाहता था कि विधायक का यही काम होता है कि आपकी समस्याएं उठाएं और ले जाके रखें जहां से प्रशासन काम करे जी। बिल्कुल, इस नाते मुझे प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को ये चीजें पता है। बहुत जगहों पर लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि विधायक क्या करता है। सर आप बताइए कि चिल्लू पार का नाम पहले हमेशा बंदूकों के लिए जाना जाता रहा है, 20-25 साल पहले। गलत बात है ये, कहानियां हमने सुनी है श्री प्रकाश शुक्ला और सबकी जी। तो विकास भी होगा था, बहुत विकास हुआ सर। 10 साल में सड़कें यहाँ की, सर 10 साल में सड़कें यहाँ की सब जैसी तैसी, इतना गढ़ा हो गया चलने में दिक्कत है। अभी तो आप कह रहे थे कि सड़कें खराब है, सारे लोगों ने बताई थी। काम नहीं कर रहा है इसके पहले जो विधायक था वो काम कराता है। हाँ उसी विधायक, अच्छा ठीक है, जो पिछले दो बार के विधायक रहे वो सही से काम नहीं कराते हैं, उनसे पहले जो विधायक रहे थे वो अच्छा काम कराते थे। अच्छा तो उनके सुपुत्र इस बार चुनावी दौर में हैं, तो आपके हिसाब से वो भी अच्छा काम कराएंगे? जो देखिए जनता चुनेगी जिसको वो काम कराएगा। दोनों विधायकों में आप लोगों को दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें बताइए, जो दो मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है जिनको। दो कैंडिडेट है, राम बोलनी साहब शंकर। अच्छा आप राजेश त्रिपाठी को नहीं गिन रहे हैं? अच्छा ठीक है, इन दोनों लोगों के बारे में आप दो अच्छी अच्छी बातें बताइए। क्या दोनों? देखिए दोनों युवा हैं, ये सोच लीजिए। विनय शंकर के बारे में दो अच्छी चीजें, एक युवा है दूसरी विकास करेंगे। राम बोल निषाद के बारे में बताइए, आप बताइए सर। वो
उनका ने विनय तिवारी बता सकते हैं साथ देंगे और विकास के बारे में काफी आगे ले जाएंगे क्योंकि सपा की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आप तो कार्यकर्ता हैं, आप तो कहेंगे ही। ये तो बात सही है, मैं कार्यकर्ता हूँ लेकिन सपा की सरकार बनने जा रही है आप तो बोलेंगे। हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आइए इधर आइए आइए। आप स्टाइलिश आदमी है, बताइए क्या नाम है सर आपका? गोलू सिंह। गोलू सिंह, आप बताइए इस विधानसभा की दो सबसे बड़ी समस्या है क्या है? जो ठीक चले वही ठीक, लाइट सड़क दें बस यही। पानी की, हाँ पानी की, पानी यहाँ की बहुत खराब है सर, आ रहा पानी, पीने का पानी, नहाने का पानी। जी नहाने के लिए तो है, पीने के लिए दिक्कत है, पीने का पानी चाहिए। तो आप लोगों में से कोई एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं निकलता जो पानी का प्लांट बैठाता है? आजकल तो हर जगह पानी के प्लांट बैठ रहे हैं, सरकार से आप मदद लीजिए, पानी के प्लांट बैठाइए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी मंत्री हो चाहे विधायक, आप ये तो खोल दीजिए, आप मतलब जनता की तरह से बात करिए। सही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बताते हैं कि यहाँ जो भी मंत्री हो या विधायक हो वो तो सही है, फिर भी अधिकारी जितने हैं ज्यादातर घुसखोर हो गए हैं, ये क्लियर आपको जानकारी है। आपकी नजर में मतलब ये अधिकारियों की समस्या है? जैसे हम कोई भी सूचना लेकर जाते हैं, अधिकारी के पास गए, जो भी पहुंची अधिकारी के पास सूचना, उसे वहीं दबा दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या है अधिकारियों के पास कोई भी सूचना जाए। अच्छा, आप हमें अखिलेश यादव की तीन अच्छी बातें बताइए जो आपका मन मोह लेती हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी है कि महिलाओं को या और विधवाओं को जो भी पेंशन मिल रहा है समाजवादी पेंशन, पहली बात तो एम्बुलेंस सेवा है 108 और 102 और 100 नंबर की है, और सबसे बड़ी बात है युवाओं के रोजगार के बारे में जो सोचे वो सबसे उच्चतम। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश के जो तीन बड़े काम है 108, एम्बुलेंस सेवा, 1090, डायल 100, इन चीजों पर मेरे ख्याल से विपक्षी भी जो शायद उनको न वोट करें लेकिन उनकी बड़ाई जरूर कर रहे हैं कि ये चीजें अच्छी हैं। आप सर, आप हमें बताइए, 3 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया था नोटबंदी का। नहीं ऐसे मत बोलिए, किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, आप कह सकते हैं कि ये गलत है सही है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करिए। नोटबंदी के बारे में जो नोटबंदी हुआ है अच्छा काम हुआ है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहेंगे कि जो भी नोट इससे पहले चलाई गई थी उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिला हमें, वो भी बताया जाए कि कितनी नोटें निकली थी बैंक से, उसके बारे में टोटल जानकारी जनता को मिलनी चाहिए सर। वो जान के हाँ, आप बताइए नोटबंदी से क्या है जो बहुत दुखी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको घर वालों ने लाइन में बहुत लगाया है, बार बार भेजा है लाइन में लगाया है। हमारा तो समझिए 3-3 बार बैंक में गए, 2-2 बजे जब पहुँचते पैर रखे थे बैंक बंद हो जाती है, लेकिन फिर हमें खुशी इस बात की है कम से कम लाइने में लगे हैं, नोट के बदले नोट ही मिलेगा ना, गोली तो मिलेगा नहीं। ये होता है इस बार बच्चा मेहनत करके पतला हुआ है। सही बात है, अगर इसी से पतला है। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? आइए। आप सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पवन यादव है। आप चिल्लूपार से ही हैं? हाँ चिल्लूपार से हैं। ठीक है, आप यहाँ के तीन विधायक हैं जो कि तीन प्रत्याशी हैं जो कि दौड़ में हैं। ठीक है, तीनों की दो अच्छी अच्छी बातें बताइए सर। पहले आप विनय शंकर तिवारी के बारे में। विनय शंकर तिवारी मान लीजिए उनका क्षेत्र है, उनके पिताजी का क्षेत्र है, और पंडित हरशंकर तिवारी जितना चिल्लूपार में अगर सड़कें बनी है कछार एरिया में चाहे सब उन्हीं की देन है। राजेश त्रिपाठी 10 साल से लूट के जनता को लूट रहे हैं। ठीक है, पहले दूसरी बात बताइए, अच्छी बात है? अच्छी बात उनमें कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है कि हम आपसे बयान करें। बताइए दूसरी बुरी बात क्या, किसके बारे में बताएं भैया? त्रिपाठी जी के बारे में। त्रिपाठी जी में बस वो हार रहे हैं, कुछ चारा ही नहीं है। रामभुवाल निषाद जी के बारे में। रामभुवाल निषाद जी मान लीजिए यहाँ के लोकल है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन विनय शंकर तिवारी जी लगभग 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बारे में बताइए, हर जगह उसी बात की चर्चा है और मेरे ख्याल से 2-3 महीने और चर्चा रहेगी नोटबंदी की, जब तक कि सबके हाथ में पूरा पूरा कैश न आ जाए। तो अभी बताइए आपको कैसा लगा व्यक्तिगत रूप से? आपको घर वालों ने बहुत उड़ाया होगा, पैसे बदलवा लो। वो लाइन में लगे थे बैंकों में, बहुत दिक्कत महसूस हुई, बहुत परेशानियां झेले हम लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला आपको अच्छा नहीं लगा या लगा? तनिक भी अच्छा नहीं लगा, मानवता के नाम पे वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो देश के लिए सोच रहा है उसको नहीं अच्छा लगेगा। ये कुछ बता रहे हैं आप लोगों से अलग, आप क्या? जी फैसला सही था, सही था जी। उसमें आपको क्या सही लगा था, क्या आपको लगा कि देखिए जो जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही थी वो बंद हो गई थी उस समय, जो पाकिस्तान जो ब्लैक मनी आ रही थी वो हिंसा का उसमें हिंसा बंद हो गया था, ये सत्य। ये तो आप व्हाट्सएप से पढ़ के बता रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। सत्य है, देखिए नोट नहीं, इसमें तो ये जो बता रहे हैं सत्य नहीं है, ये गलत है।
क्योंकि इससे नोटबंदी नहीं वो नहीं सत कर रहे थे, जो आप व्हाट्सएप वाली बात की है उसको सत कर रहे थे हम। इससे जो नोटबंदी से है जो फायदा, ये तो केवल कहने के लिए है कि हिंसा कम हुआ है, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुआ है कम, ठीक है। ये बताइए आपकी विधानसभा में कितना अपराध कम हुआ है नोटबंदी की वजह से? क्या सर? नोटबंदी के जो रोडों पर सड़कों पर छिनैती होती है, ये सब चीजें होती है ना, छोटे मोटे अपराध, तो नोटबंदी के बाद ये भी तो कम हो जाना चाहिए। नहीं सर, नई नोट आई तो करेंसी तो हुआ ही नहीं शुरू, फिर से लोग कहते हैं कहाँ है चाचा, बुलाइए इनको, आइए सर। हाँ थोड़ा सा जगह बनाइए। क्या नाम है सर आपका? हाँ सर, ऐसा है कि हम मोची काम करते हैं, फुट में घाम में हम रहते हैं, ठीक ना? नाम बताइए सर, नाम। हमारा नाम कैलाश है। कैलाश जी। हाँ, हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। मोची का काम करते हैं? हाँ, हम मोची काम। आप चिल्लू पार के ही? हाँ, चिल्लू पार का। ये आप किससे मांग रहे, प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री? हम किससे मांगे, जो हमारा हम चाहते हैं उससे मांगे। क्या आपको लगता है कि आपके वोट देने से आपकी मांग करने की क्षमता बढ़ती है? आप कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमें दीजिए रोटी कपड़ा और मकान? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं भाई, गरीब आदमी है, हम परेशान है, हमारा परेशानी दूर हो। बिल्कुल सही बात है कि गरीब आदमी कहने के लिए जनतंत्र है, लेकिन गरीब आदमी के लिए अपनी बात कहना बहुत मुश्किल होता है जी। बिल्कुल, गरीब आदमी को सत्ता से और पावर से उतनी मदद नहीं, उनको कोई सरकार हो। हाँ, हमको मदद चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर आप क्या करते हैं? यहाँ पे दुकानदार हैं। आप दुकानदारी करते हैं? आप बेहतर बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला कैसा रहा? फैसला सबसे अच्छा है सर। क्या आपको क्या अच्छा लगा? लोग देखिए बड़ी दिक्कतें हुई उससे। दिक्कत सर, दिक्कत तो छोटी मोटी दिक्कत तो होती है, हर जगह होती है छोटी मोटी दिक्कत। अब नोटबंदी कर दे, नोटबंदी दिक्कत होगा ही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में बताइए, तीन चीजें जो आपको अच्छी लगी, बुरी नहीं, बुरी तो कोई भी बता सकता। हाँ सर, चलिए आप। अच्छी चीजें बताइए। आपके लिए एम्बुलेंस निकालने हैं, ये वो सबसे अच्छी बात है। जो कोई व्यक्तिगत आपको जरूरत पड़ी उस एम्बुलेंस की? अभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी है सर, परिवार में। हाँ पड़ी है, तभी हम कह रहे हैं सर। नहीं सर, पड़ी है, गांव में पड़ी है। आप बता नहीं सकते कि जीवन में कब किसको जरूरत पड़ जाए, ठीक है। हाँ तो आप तीन अच्छी चीजें, एम्बुलेंस बताया आपने, एम्स थोड़ा इधर आ जाते हैं, नहीं सबको जरूरत पड़ जाएगी, ये गाड़ियाँ आ रही है। हाँ, दूसरी चीज एम्स क्या गोरखपुर में थी, क्या किए हैं शिलान्यास? हाँ जी, फिर आपके वहाँ लखनऊ में रेलवे का जो थी हुआ है, मेट्रो तो अखिलेश यादव ने कराया है। एम्स वाली आपकी बात सही है, और इस क्षेत्र में वाकई में एम्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लोग इलाज कहाँ। ये आपने अच्छी चीजें बताई। आप सर आप क्या करते हैं? आपकी बड़ी तारीफ हो रही है जनता आपको। तारीफ नहीं है, चुनाव तो नहीं लड़वाने का सोच रहे हैं लोग। किशोर कुमार का सॉन्ग है, जो पब्लिक है ये सब जानते हैं। मैं पूरा गुजरात घुमा हूँ, और मोदी प्राउड ऑफ इंडियन, ओनली मोदी, हम सबका साथ सबका विकास। क्योंकि हम लोग, ऐसी कौन सी चीज जो आपने देखी जो चिल्लू पार में चाहते हैं आप? क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो सुरक्षित हैं 24 आवर्स, बस यही चाहिए। रात को 1:30 बजे लड़कियां चाहे आराम से कहीं से भी। पहली बार यहां पर दो ऐसे व्यक्ति मिले हैं, ये भी मैं सुनना चाहता था, अभी तक किसी ने रोटी कपड़ा मकान सड़क इसके अलावा औरतों के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, बिल्कुल ये जानना चाहता था। सर आप लोग आगे आइए, थोड़ा सा खुल जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए जी, आइए इधर। मोदी जी तो जमीनी स्तर के प्राइम मिनिस्टर है, सबका साथ सबका विकास, बस यही कहेंगे। गुजरात में आप लोगों को सबसे अच्छा यही लगा कि औरतें वहाँ खुल के घूमती हैं जी। चिल्लू पार में क्या समस्या है, गोरखपुर में क्या समस्या है, एक मिनट से हम बताते हैं मोदी जी। चिल्लू पार के अंदर बात पूरी कर लेने जी, भाई साहब आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। क्या जानते हो सर आप मोदी जी के बारे में? अगर लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं, बात करिए क्या सही है क्या गलत, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, गाली गलौज व्यक्ति बिल्कुल नहीं, अपमानित भी नहीं करना है किसी भी नेता को, आप अपनी बात रखिए। आप सर आप बोलिए। हाँ, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया सर, 70 साल मान लीजिए, और अभी 2 ही साल हुए हैं ना, अभी भाजपा को 2 ही साल हुए हैं ना,
बस अभी मान लेते 3 साल ठीक है, वैसे नहीं हम लोग फैक्ट पर बात करेंगे। एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं आप। ठीक है आप बताइए, आप आ गए सर, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री मोदी की 3 बुरी बातें बताइए। चलिए सर वन मिनट, हमें मौका देखिए देखिए, एक मिनट बात सुनिए। मौका मिला तो बोलने दीजिए। आपने 3 बातों का जिक्र, आपने 3 बातों का सर जिक्र किया है, 3 बातों का जिक्र किया है। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारे देश में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर होने जा रहा है जो लोगों की बातों को उनकी जगह तक पहुँचाएगा, उनके लिए काम करेगा। ये 3 साल तक मन की बातें करते रहे लेकिन जनता उनकी मन की बात को आज तक जान नहीं पाए। क्या मन की बात? पहली कमी तो ये हुई। दूसरी चीजें, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल देने से देश का विकास नहीं होगा, वो तो मन की बात में हो गया। हाँ अच्छा काम करिए, नोटबंदी से एक बहुत बड़ी आशा थी, नोटबंदी नहीं थी। सर नोटबंदी जो है वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोटबंदी थी। डिमोनेटाइजेशन से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है। जो 15 लाख खाते में आने थे एक पैसा नहीं है, 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। और तीसरी चीज जो है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि जुमला जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ही इज ओनली वन मैन डेमोक्रेसी, ओनली ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेट नरेंद्र मोदी। आप सर क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, लॉ करते हैं? वन मिनट और सुनिए। अब रही विकास मुद्दे की बात, प्रधानमंत्री हमारे, उनका सम्मान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, निहायत रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या आप लोग बताइए, क्या एक प्रधानमंत्री को इतना प्रचार करना, वो भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलना, क्या शोभा देता है? उनकी वन मिनट। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जी, नहीं बिल्कुल नहीं, हम सर से पूछेंगे इनका क्या, इनका आरोप ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहिए ऐसा भी, सॉरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने 28 साल गुजरात रहा हूँ, ठीक है, 28 साल गुजरात, जितनी भी सक्सेस मिली है मेरे पूरी फैमिली में, आधे लोग यहाँ आधे लोग वहाँ है, ठीक है। एक बात बताइए, औरतों की बातें दो लोग कर रहे थे, ठीक है, एक और आप लोगों को मायावती जी की क्या 3 अच्छी, मायावती एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, मायावती जी केवल दलित लोगों को देखती है सर। बिल्कुल नहीं, हम नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं, किसी की अच्छी बातें पूछ रहे हैं। हाँ क्या पूछा हमने, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको अगर जवाब नहीं देना है तो आप जाइए, नाराज क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल हाँ आप बताइए। एक बात और कंक्लूड करना चाहूंगा, नेताओं में अच्छी बातें और बुरी बातें ही नहीं जाती, इसमें जाति कहीं से नहीं आती, जाति इसमें कहाँ से आएगी, हम काम के बारे में बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल हाँ सर आप बताइए। एक सर और कंक्लूड करना चाहूंगा, यार जाति के नहीं मुद्दे की बात करिए, जाति नहीं, जाति को कब का छोड़ा जा चुका है। अगर आपने 8वीं क्लास तक भी की पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि जाति को छोड़ा जा चुका है, जाति घर में रहती है, धर्म घर में रहता है, उसको बाहर मत लाइए प्लीज। अभी हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर मुझे जाति पर बात करनी होती तो मैं आपसे जाति से पूछता। औरतों के बारे में हमने बात की, एक साथ कितने लोगों की बात सुनेंगे? एक मिनट पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे हटिए, अभी अभी हम इनसे बात करेंगे, आप आइए आगे। मायावती की पहली बात सुन लीजिए, मायावती कहती हाँ। है कि मैं गुंडों को और अपराधियों को जेल भेजूंगा, उनके ऊपर तो खुद भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता है, ताज कॉरिडोर है और आय से अधिक संपत्ति है, क्या अपने गले में वह हथकड़ी लगाएंगी मायावती? अगर लगाती हैं तो हम लोग बसपा कोर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग सपा कोर्ट करेंगे। आपका बड़ा क्लियर कट है, करप्शन पे आप बात कर रहे हैं कि अगर वो जी आप आइए भाई साहब आप आगे आइए। जाति पर मैंने नहीं पूछा है, मैं जाति के बारे में जानना भी नहीं चाहता, जाति पर कोई चर्चा नहीं, हम लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के फैसलों के बारे में बात करेंगे, फैसलों क्या आपको अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है। एक कर्मचारी हितों की बात करना चाहूँ, आप सरकारी कर्मचारी हो? जी हाँ सर, एक पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बीच में गोदड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा, चाहे वो इधर आप लोग ध्यान से सुनिए, एक काम की बात कर रहे हैं, भविष्य में आप भी नौकरी करेंगे, आपको भी जरूरत पड़ेगी हर वक्त भैया, चाहे वो सपा का घोषणा पत्र हो, बीजेपी का घोषणा पत्र हो, बीएसपी घोषणा पत्र बनाती नहीं है, कांग्रेस तो बनाती नहीं है, लेकिन किसी क्या किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मुद्दा है? यदि नहीं है
तो ऐसी सरकार का बायकॉट करना चाहिए, खासकर कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, ताकि सरकारें जाने कि जो 10 लाख राज्य सरकार कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन की बहुत जरूरत है, और इस घोषणे में, अपने घोषणे पत्र में उसको। भाई साहब आप आइए, आप ऊर्जावान बहुत लग रहे हैं, आप आइए, आपसे कुछ बातें पूछते हैं। हाँ हाँ विकास जी आइए आइए, बिल्कुल नहीं होगा, आप आइए तो ठीक है। चलिए आप नाराज हो रहे हैं, कोई बात नहीं जी, किसी की सरकार बने पूरे युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या दे सकती है कोई सरकार? देखिए इधर से आवाज आ रही है, ये काबिल सबको रोजगार मिले, हम लोग पीछे हटते हैं क्यों? क्या काबिल बताओ, हम ज्यादा हो गए, लड़ाई नहीं। भाई साहब बात सुनिए, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं उस काबिल रहूंगा तो मेरे को नौकरी मिलेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, मैं उस काबिल रहूंगा। हम आप कोई भी हो, कोई भी युवा हो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि खुद को जरूरत से ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। नहीं, बात सुनिए, हम कहना चाहें कि बीजेपी पर आना इस विधानसभा पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा का ही प्राइम मिनिस्टर हम लोग चाहते हैं, क्योंकि इनके पांच साल में 506 करप्शन हुई, जैसे इसमें रेप हुई, बलात्कार, अभी उनके सैफई गांव में एक लड़की को दलित नहीं ब्राह्मण थी उसको मारा गया, और आजम खान की जो भैंस खो गई उसको पुलिस की 24 घंटे नहीं लगे। सुनिए अमित शाह कोई बता सकता है कि कौन किसकी बात सुन रहा है? एक मिनट चुप रही है, आज बात सुनिए जी, सुनिए इधर बात, एक लोग कोई चीज से सवाल पूछा जाए वो बताएगा। मुलायम सिंह यादव, चलिए इसके साथ हम लोग समेटते हैं, इसे समेटते हैं, अब यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है।